गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अभी हम लोग जाने तो अच्छी नहीं जाने के लिए, तो फिर हम लोग अभी निकल चुके हैं। तो गाइज थोड़ा देर के बाद ही हम लोग पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो पूरा देखने के लिए नज़ारा दिखाएंगे। पुलिस का
का चेकिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग, मेरा भाई ने पहले हेलमेट पहन लिया था, जैसे हम लोग जैसे पकड़ा ना जाए, इसलिए हम लोग मतलब 18 का नीचे का ही मतलब बच्चे लोग हैं। और फाइनली हम लोग इसको पार कर लिए हैं, जिसको आर्मी कैंप कहा जाता है। हम लोग थोड़ा देर का बाद ही मतलब पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट आधा दूर से भी ज़्यादा पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद ही हम लोग पहुंच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं दीवार का नज़ारा कितना बेहतरीन है, हमको तो बहुत ही बेहतरीन लगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा जी कैसा लगा आप लोग को ये नज़ारा, फिर और चलते रहिए और भी नज़ारा दिखाएँगे आप लोग को। और हमारा जो भाई है इसने भी मतलब शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। Thank you.
बार सीनी तो आज हम लोग घूमने आए हैं। वो देखिए हम लोग का भाई सब है और इधर भी तो बच्चा है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो बदली कर चुका है आना, हम लोग का थोड़ा ही देर हुआ था उसके बाद बदली कर घर जाने वाले हैं रिटर्न। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बादली थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया, इसलिए हम लोग रिटर्न घर जाने का मतलब सोचा है डायरेक्ट हम लोग अभी घर जा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम लोग अगर घर अगर नहीं जाएंगे तो फिर बारिश में भीग सकते हैं, जिससे हमारा सर्दी खांसी बुखार भी पकड़ सकता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिटर्न घर जा रहे हैं और आपको भी थोड़ा दिखाएंगे, इसीलिए इस बादली की वजह से हमको अपना ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा उसके बाद ब्लॉग एंड हो जाए। तो गाइज फाइनली हम लोग बंधवान पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा देर यहां पर रुकेंगे, क्योंकि यहां पर थोड़ा मौसम ठीक है तो थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहां से घर जाएंगे और घर भी यहां पर थोड़ा करीबी है। तो गाइज आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ ब्लॉग यहाँ पर ही आज एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।